गुड इवनिंग गाइज रियल मी एक्स टू फोन यूज़ करते हैं और आपने लेटेस्ट अपडेट किया अपडेट के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे रियल मी कम्यूनिटी में भी आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी कंप्लेन हैं लोगों की मैं खुद रियल मी एक्स टू यूज़ करता हूँ और अपडेट के बाद से यकीन माने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन अब नहीं है अब क्यों नहीं है जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपडेट के बाद से रियल मी एक्स को डाउनग्रेड किया डाउनग्रेड कैसे किया पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ डाउनग्रेड क्यों किया और कौन कौन से प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई आपके लिए भी ये जानना जरूरी है तो हेलो गाइज़ मेरा नाम है आलोक और मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब आपके भाई का चैनल है और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें तो भाई अब बात कर लेते हैं कि Realme X2 में जो नया अपडेट आया था सी पॉइंट जीरो एट मई का जो इसमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था उसको इंस्टॉल करने के बाद से बहुत सारे लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी जैसे हीटिंग इशूज़ उसके अलावा बैटरी ड्रेन की जो इशू है ख़ुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया था माइक की जो प्रॉब्लम है वो यू में अभी तक सल्व नहीं हुई है यानी माइक से जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो काफ़ी लो होती है कभी माइक काम करता है कभी नहीं करता है और इसके अलावा मेरा ख़ुद का जो एक्सपीरियंस है कि जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है वो सपोर्ट नहीं करता था रियल मी के अपडेट के बाद से इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ यदि आप रियल मी कम्यूनिटी में जा के देखें तो आपको बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया है कि इस तरह के जो भी अपडेट्स जिन्होंने भी किया हुआ है जिन्होंने भी रियल मी यू का लेटेस्ट अपडेट किया है उसके बाद से उनके फ़ोन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम हो रही है हीटिंग का इशू मैंने बताया साउंड की प्रॉब्लम है इसके अलावा बहुत सारे फ़ीचर्स मिसिंग हैं डेसिमल चार्जिंग जो एनिमेशन था वो मिसिंग है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उस फीचर को वापस लाया जाए और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कलर ओएस में थे लेकिन यू के अपडेट के बाद से नहीं हैं और इसके अलावा चार्जिंग भी श्लो हो गई है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने डाउनग्रेड करवाया और इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें और डिटेल्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज़ देखिएगा ज़रूर तो अब बात कर लेते हैं गाइस की डाउनग्रेड कैसे करें गाइस मैं बता दूं अपडेट तो आपको ओटा अपडेट मिल जाते हैं इजीली आप सिस्टम अपडेट कर लेते हैं हर मंथ में इसके अलावा रियल के वेबसाइट पे भी Uh, कई सारे अपडेट्स दिए हुए हैं और वहाँ चेंज लॉक्स भी दिए हैं तो इजीली आप अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को रियल मी एक्स फ़ोन का आप अपडेट कर सकते हैं लेकिन डाउनग्रेड यदि आपको करवाना हो तो इसका क्या प्रोसेस है अपडेट फाइल आपको नेट पे मिल जाएंगी इंटरनेट पे बहुत सारी अपडेट फाइल्स आपको मिल जाएंगी खास करके रियल मी का ऑफिशियल वेबसाइट्स पे है मैंने बताया लेकिन डाउनग्रेड करने के लिए मैं बता दूं जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है जटिल है इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको फ्लैशिंग करनी होती है फ़ोन की और फ्लैशिंग के समय यदि कोई एरर आ जाता है या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका फ़ोन डेड भी हो जाता है तो काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस है ये और इसके अलावा वारंटी भी प्रोवाइड हो जाती है चूँकि बहुत सारी चीज़ें उसमें अनलॉक करनी होती हैं तो डाउनग्रेड कैसे करें ऑफिशियली तरीके से तो डाउनग्रेड करने के लिए मैं बता दूं कि आपको रियल मी के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा और यदि आपका फ़ोन वारंटी में है तो जो आपका डाउनग्रेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कर दिया जाएगा दोस्तों डाउनग्रेड करने का प्रोसेस और डिटेल में हम समझ लेते हैं क्योंकि मैंने भी अपना रियल मी एक्स टू लेटेस्ट मई अपडेट के बाद से डाउनग्रेड करवाया और क्यों क्यों मैंने करवाया इसी वीडियो में मैंने आपको बताया तो डाउनग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा और जाते वक्त आपको अपना ओरिजिनल जो बिल है वो कैरी करना पड़ेगा और यदि आपका फ़ोन वारंटी में है तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि रियल मी नहीं चाहती कि आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करें क्योंकि उसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस नहीं होते हैं लेकिन फिर भी यदि आपको कोई इशू आ रही है काफ़ी मेज़र इशू आ रही है अपडेट के बाद से तो आप डाउनग्रेड कर सकते हैं और यही वजह है कि रियल ने कोई भी डाउनग्रेड फाइल नहीं दिया है कि और भी फ़ोन के ब्रांड है जिसमें डाउनग्रेड फाइल मिल जाता है लेकिन पता नहीं रियल वाले क्यों ऐसा करते हैं कि उन्होंने कोई भी डाउनग्रेड फाइल नहीं दिया है तो डाउनग्रेड करवाने के साथ साथ मैं बता दूं कि जो यू है आपका रियल मी यू वो एंड्रॉयड टेन पर बेस्ड होता है आधारित होता है लेकिन मैं आपको बता दूं कि डाउनग्रेड करने के बाद से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो एंड्रॉड पाई बेस्ड हो जाएगा जी हाँ कलर ओ एस में मैं एक स्क्रीन भी यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ और अपने आपको वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ डाउनग्रेड करने के बाद से प्लीज़ मैं आपको बता दूँ कि डाउनग्रेड करने के लिए सर्विस सेंटर वाले आपसे पूछ सकते हैं आपको मेंशन करना पड़ सकता है जो भी वो सर्विस सेंटर की रिशिट देते हैं उसमें मेंशन आपको करना पड़ेगा कि आप डाउनग्रेड क्यों करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो भी मेजर इश्यूज आ रही हैं अपडेट के बाद से वो आप मेंशन कर दीजिए कि मुझे हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है या मेरा फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रेन हो रहा है देट्स वाई मैं डाउनग्रेड करवा रहा हूँ अपने फ़ोन को तो जो भी है एक आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रियल मी की तरफ से ऑफिशियली ये जो चीज़ है वो मना है डाउनग्रेड करना अलाउड नहीं है लेकिन चूँकि मेजर इशूज़ आप फेस कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को आप लिस्ट कर दीजिए जो कि अपग्रेड करने के बाद से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है और उसके बाद आपका जो डाउनग्रेड है वो फ्लैशिंग जो फ्लैश टूल होता है रियल मी का ऑथराइज सर्विस सेंटर में उनके पास एक फ्लैश टूल होता है वो सिस्टम से फ्लैशिंग कर देते हैं जिससे आपका जो एंड्रॉइड वर्ज़न है वो बिल्कुल पुराने आउट ऑफ द बॉक्स जब आपने फ़ोन ख़रीदा था बिल्कुल उसी वर्ज़न में रिटर्न हो जाता है आपको कलर ओएस में डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है इसके बाद भी अब आप एक डाउट होगी कि क्या इसके बाद से हमको फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जी हाँ बिल्कुल मिलेंगे मुझे भी अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिला है डाउनग्रेड आप करते हैं तो फ्यूचर में आप चाहें तो फिर अपग्रेड कर सकते हैं और एक दूसरी क्वारी है कि क्या आपकी वारंटी वॉइड होगी जी नहीं यदि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में डाउनग्रेड करवाते हैं तो आपकी वारंटी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी लेकिन यदि आप बाहर किसी आउटसाइड शॉप में डाउनग्रेड करवाते हैं फ्लैशिंग करवाते हैं तो आपकी वारंटी वाइड होगी बात कर लेते हैं कि डाउनग्रेड करने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों हम सबके पास टाइम का ही अभाव है तो मैं आपको बता दूं कि डाउनग्रेड करने में नियर अबाउट आपको सेम डे में डाउनग्रेड हो जाएगा दोस्तों यदि सर्विस सेंटर के पास ज़्यादा वर्कलोड है तो एक दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है और उसके बाद आपको फ़ोन डाउनग्रेड करके मिल जाएगा डाउनग्रेड होने के बाद से आप अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं इसके अलावा भी यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केसेस में अपडेट के बाद से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सल्व हो जाती है डाउनग्रेड करने के साथ ही मेरे साथ भी यही हुआ जब मैंने डाउनग्रेड करवाया तो मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी मेरा माइक काम नहीं करता था एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो मैंने अटैच किया है वो काम करने लगा इसके अलावा हीटिंग ईशूज़ था फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हीट होता था रिकॉर्डिंग के टाइम में वो हीटिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई बैटरी ड्रेन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई है मेरा बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ गया है अब तेज़ी से फॉल नहीं होता बैटरी का परसेंटेज तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कल और इसमें डाउनग्रेड करने के, बात से। के बाद से इसके बाद यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो जब तक स्टेबल वर्जन ना मिल जाए रियल मी यू वाई का चूँकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिला था उसमें बहुत सारे बग्स हैं फ्रेंड्स और जब भी अपडेट करिए तो प्लीज़ उसका रिव्यू अच्छे से पढ़ लीजिए यदि रिव्यू काफ़ी निगेटिव है बहुत सारे बग्स मिले हैं तो आप अपडेट मत करिए और ये नए अपडेट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी जो भी मेजर इश्यूज थी वो सल्व हो गई है जो जो बग्स हैं वो फिक्स्ड हो चुके हैं तो उसके बाद ही आपको फ्यूचर में अपडेट करना चाहिए अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कलर ओएस में ही बने रहिए डाउनग्रेड करने के बाद से भी जो मेरा फ़ोन का वर्जन था वो कलर ओ एस हो गया और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है इसमें जो बिल्ड नंबर है वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं तो आपको यही वर्ज़न मिल जाएगा फ्लैशिंग करने के बाद से डाउनग्रेड करने के बाद से और उसके बाद यदि किसी तरह का कोई अपडेट आपको बताता है तो नेक्स्ट अपडेट करने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है जब तक कि कोई स्टेबल बग फ्री अपडेट आपको ना मिल जाए तो, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपके वीडियो लाइक करने से और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले ये वीडियो हमारी पहुंच जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और परिवार का ख्याल रखिए जय हिंद